वंदे मातरम, मैं निखिल यादव। अधिकतर युवाओं की दो ही चाहत होती हैं, एक प्रसिद्धि, प्रसिद्ध होना, और दूसरा पैसा, धन दौलत कमाना। चाहते तो सब हैं, लेकिन मिलता मुट्ठी भर को ही है। बाकी हजारों, लाखों, करोड़ों तो इस भीड़ में मंडराते हैं दिन रात। 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में जन्मी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल 23 साल की उम्र में प्रसिद्धि भी पा लेती हैं और पैसा भी। इंग्लैंड के विंबलडन शहर में अपना स्कूल भी शुरू करती हैं और लंदन के इंटेलेक्चुअल सर्कल सीसेम क्लब में प्रख्यात लेखिका के तौर पर अपना नाम भी बना लेती हैं। फिर क्या कारण था जो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल पराधीन गुलाम भारत में आती हैं और हमारी आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ती हैं। 1899 में जब बंगाल में प्लेग आता है तो झाड़ू लेकर सड़कों पर उतर जाती हैं, नालियों में हाथ भी डालती हैं और कूड़ा कचरा भी उठाती हैं, साथ ही साथ सोए हुए भारतीयों को अपनी कलम से भी जगाती हैं। मैं पिछले 5 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ रहा हूँ। दिल्ली और मुगल हुकुमरानों ने कितनी बार खांसा और छींका आपके पूछने पर वो भी बता दूंगा, लेकिन निवेदिता का कभी नाम भी नहीं सुना। तो क्या उस निवेदिता को भूल जाएं जिसके बारे में सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, मैंने भारत को प्रेम करना सीखा विवेकानंद को पढ़कर, और उस विवेकानंद को मैंने समझा भगनी निवेदिता के लेखों से। स्वामी विवेकानंद भगनी निवेदिता को भारत में आने के लिए आह्वान करते हैं और उनको चेतावनी भी देते हैं। स्वामी जी लिखते हैं, जहाँ तुम सेवा करने आ रही हो वह समाज तुम्हारा स्वागत नहीं करने वाला। स्वागत तो भूल जाओ, तुम्हें स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। तुम्हारी चमड़ी का रंग देखकर लोग तुम्हें अछूत मानेंगे। यहाँ का हवा पानी भी तुम्हें स्वीकार नहीं करने वाला। तुम्हें तुम्हारी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर भारत आना होगा। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल सब कुछ जानकर भी भारत आती हैं। भारत आने पर स्वामी विवेकानंद शिक्षा और दीक्षा भी देते हैं और निवेदिता नाम भी। 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कर देते हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का बिगुल बज जाता है। निवेदिता भी उसमें कूदती हैं और युवा क्रांतिकारियों को जगाने का काम करती हैं। दक्षिण भारत के प्रचंड विद्वान कवि और लेखक सुब्रमण्यम भारती से मिलती हैं तो उनसे कहती हैं, श्रृंगार रस की कविताएं लिखते हो, कलम में दम है तो भारत माँ के कार्य में लगो। महान क्रांतिकारी योगी अरविंद बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ा रहे होते हैं। भगनी निवेदिता वहीं पहुंच जाती हैं और उनसे कहती हैं, वहाँ बंगाल में क्रांतिकारी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे हैं और तुम यहाँ राजा के नीचे नौकरी करते हो। योगी अरविंद भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद जाते हैं। योगी अरविंद को जब अलीपुर जेल में जाना पड़ता है तो उनके पीछे से भगनी निवेदिता वंदे मातरम और कर्मयोगिन पत्रिकाओं की संपादन भी करती हैं। नंदलाल बोस और रविंद्रनाथ टैगोर से मिलती हैं तो उनसे पूछती हैं, बोहिमियन पेंटिंग्स बनाते हो, तुम्हारी कलम चलती है तो भारत माँ के चित्र क्यों नहीं बनाते, उस भारत माँ को क्यों नहीं रंगते। बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माँ के चित्र देखकर युवा क्रांतिकारी खड़े हो जाते हैं। बोहिमियन पेंटिंग्स बनाने वाले नंदलाल बोस को राष्ट्रभक्त बनाने का काम भगनी निवेदिता करती है। सुब्रमण्यम भारती वीर रस की कविताएं लिखते हैं और स्वतंत्रता संग्राम में उतर जाते हैं। एक बार 1903 में मिदनापुर जाते हुए लोग उन्हें रेलवे स्टेशन पर मिलने आते हैं और उनकी रेलगाड़ी से उतरते ही अंग्रेजी नारा हिपे फुर्रे के नारे लगाना शुरू करते हैं। वो सोचते हैं गोरी चमड़ी की लंदन से आई हुई विदेशी महिला को पसंद आएगा। निवेदिता उनको रोकती हैं और कहती हैं, अंग्रेजों की नकल मत करो, और फक्र से कहती हैं, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। 13 अक्टूबर 1911 को महज 43 साल की उम्र में भगनी निवेदिता दार्जिलिंग में अपना शरीर त्याग देती हैं। उन्होंने भारत माता को अपना जीवन निवेदित कर दिया। ना कभी अपमान समझा, ना अनादर, ना बेइज्जती, ना निरादर या तिरस्कार। वो तो एक अग्निशिखा थी जिसकी ज्वाला से हजारों दीप प्रज्वलित हो गए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।